जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे स्क्रिबल्स को किस तरह से यूज़ करना है, क्या और वो क्या इम्पोर्टेंस प्ले करता है आपकी लिस्टिंग क्रिएट करने में। चूंकि लास्ट वीडियो में हम जो है वो सेरेब्रो और मैग्नेट से हमने जो है वो कीवर्ड्स निकाले थे, रिलेटेड कीवर्ड्स, स्पॉन्सर्ड के एग्जैक्ट फ्रेजेज हमने निकाले थे, और उसको फिर हमने जो है वो फ्रैंकेनस्टाइन में इंपोर्ट करवाया था प्रोसेसिंग के लिए, और यहाँ पे हमने जो है वो डुप्लीकेट्स वगैरह और सारी चीज़ें रिमूव करवाई थी। ठीक है, डुप्लीकेट्स हो गए और जो है वो कॉमन वर्ड्स, नंबर्स और जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हमने यहाँ पे रिमूव करवा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर जो आता है वो आता है स्क्रिबल्स का। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इंपोर्ट करवा सकते हैं स्क्रिबल्स में, वरना इसको सेव करके अगर आप अपने पास सेव रखना चाहें, बाद में इस पे काम करना हो तो वो भी करवा सकते हैं। यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और अपने पास पेस्ट भी करवा सकते हैं। तो स्क्रिबल की तरफ आ जाते हैं हम सिंपल इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो है वो इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पे देखें, इसने फ्रेजेस और वर्ड्स उसमें से निकाल के अलग अलग हमें बता दिए। ठीक है, टोटल 62 वर्ड्स हैं और 36 फ्रेजेस हैं। अब ये बार आपको यहाँ पे शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि रेड का मतलब है हाईएस्ट सर्च रिजल्ट्स या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्चेस, ऑफ नंबर ऑफ सर्चेस, और फिर वो डाउन होता है ग्रीन, ब्लू और ब्लैक तक आता है वो। ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ से रेड पे लेके आए तो देखें 32 फ्रेजेज ऐसे हैं जो हाई रैंक्ड हैं और उनके सर्चेज ज्यादा हैं। इसी तरह से इसमें भी उसी तरह से काम करेगा वो। और ये एक लिंक का बटन जो आ रहा है आपके पास यहाँ पे, इसका मतलब है इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों को आपस में लिंक कर देगा। फिर अगर आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो नीचे भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है टाइटल का। यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखेंगे। देखें स्क्रिबल का या नई लिस्टिंग बनाने का, या फिर जो है वो आप कह लें कि ऑप्टिमाइजेशन का सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेजेस यूज करने हैं वाइल क्रिएटिंग योर लिस्टिंग। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास ये वर्ड्स भी हैं, फ्रेजेस भी हैं, इनको इनमें से जो पॉसिबल बेस्ट मैच है वो उठाते हुए आप टाइटल अपना बनाएंगे। मिनिमम 150, मैक्सिमम 200, ये लिमिट्स हैं। मिनिमम 150 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 150 से कम जो है वो अच्छा काउंट नहीं होता, तो मिनिमम 150 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 तक आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टाइटल क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर अभी टाइटल क्रिएट करता हूँ ब्रेड बॉक्स प्लास्टिक ब्रेड होल्डर विथ नाइफ एंड एक्सेसरीज, तो अब ये देखें, अब ये यहाँ पे मुझे इसने काउंट बताया, करेक्टर काउंट मेरे जो है वो 56 हो गए आउट ऑफ 200, और लिमिट इसकी आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको 150 पे ले आए, 200 पे ले आए, वैसे 200 जो है वो बेस्ट होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप जो ब्रेड के नीचे जो है वो अंडरलाइन है, बॉक्स के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका मतलब है ये मैंने वर्ड्स यूज किए हैं यहाँ से। अब ये यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है ऊपर कि ब्रेड मैंने 2 दफा यूज किया है, बॉक्स 1 दफा यूज किया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई फ्रेज यूज करूंगा लाइक ब्रेड बॉक्स वाइट, तो अब ये देखें ये पूरा एक फ्रेज हाईलाइट हो गया, यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया और यहाँ पे मुझे बता दिया कि मैंने ये फ्रेज यूज किया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप पूरा एक ऑप्टिमाइज्ड टाइटल बनाएंगे। आप चाहें तो अली एक्सप्रेस का भी टाइटल यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस है कि उसको थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइज करना होगा क्योंकि अली एक्सप्रेस की इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा कीवर्ड्स ही बिना सेंस के कीवर्ड्स उसमें डाले हुए होते हैं, तो वो टाइटल्स वगैरह का लिस्ट जो है वो सेंस नहीं बनता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बुलेट पॉइंट्स आते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स के अंदर हम जो है वो मेन, ये बेसिकली की फीचर्स हैं जो प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आपको शो हो रहे होते हैं, उसको बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। तो ये आपकी लिस्टिंग के फीचर्स क्या हैं, क्या कॉल मतलब क्या हाइलाइट्स हैं आपकी आपकी प्रोडक्ट की, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होगी। इसमें भी वही सेम सिनेरियो है कि जितने कीवर्ड्स, जितने फ्रेजेस आप यूज़ कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है।
अब वो ऑब्वियस है कि अगर कोई फ्रेज नहीं है या कोई नहीं यूज हो पा रहा तो उसको आप इग्नोर करें, फिर जो काम के आपके फ्रेजेज हैं वो यूज करने की कोशिश करें, सेंटेंसेज इस तरह से बनाएं, कंटेंट इस तरह से बनाएं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेज उसमें फिट हो सकें। अच्छा, इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि बुलेट नंबर 5 जो है, बुलेट बाज दफा कभी कभार जो है वो आपको 3 बुलेट्स के ऑप्शन देता है, कभी 5 बुलेट्स के ऑप्शन देता है, जब वो अमेजोन पे आप लिस्टिंग बनाएंगे तो वो आपको नजर आ जाएगा। तो बुलेट पॉइंट नंबर 5 में जो है वो हम यूजुअली ये करते हैं PLDS के लिए खास तौर पे, कि हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देते हैं, अगर आपकी आइटम चाइना से शिप हो रही है तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे दिस प्रोडक्ट शिप्स आउटसाइड शिप्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ USA एंड मे टेक सम टाइम टू डिलीवर। ये हम एक छोटा सा सेंटेंस इसमें लास्ट पॉइंट में मेंशन कर देते हैं ताकि कस्टमर की कभी कभार कंप्लेन आए या कुछ हो तो हम बता सके कि हमने जो है वो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। ठीक है, इसी तरह से डिस्क्रिप्शन भी बनता है। डिस्क्रिप्शन में भी वही सेम सिनेरियो है कि आप कंटेंट अपना क्रिएट करें। अब जाहिर मैं आपको अभी जो है वो पूरा कंटेंट क्रिएट करके तो नहीं बता सकूंगा, बहरहाल वो आप चाहें तो अली एक्सप्रेस का भी कंटेंट यूज कर सकते हैं, बट उसके अंदर आपको जो है वो मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। ठीक है, और उसको ऑल्टर ऑल्टर करना पड़ेगा आपको अपने तौर पे, अपने कीवर्ड्स उसमें डालने होंगे, अपने वर्ड फ्रेजेस उसमें डालने होंगे, तो उस तरह से उसको आप पूरा जो है वो मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या है, वो बेसिकली काम करता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट का सब्जेक्ट क्या है, मतलब किस चीज़ की प्रोडक्ट है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, लाइक ये प्रोडक्ट जो है वो बेकिंग की है, तो बेकिंग का अगर मेरे पास कोई कीवर्ड है या फ्रेज है, नहीं बेकिंग से रिलेटेड मेरे पास कुछ भी नहीं है, ब्रेड अब जैसे अगर मेरा स्टेनलेस स्टील का बॉक्स है तो मैं यहाँ पे ये यूज कर सकता हूँ, ब्रेड बॉक्स स्टेनलेस स्टील, ब्रेड बॉक्स मेटल, ब्रेड बॉक्स एयरटाइट, और किचन से रिलेटेड मेरी प्रोडक्ट है, कुकिंग बेकरी की आइटम है, या होममेड ब्रेड लोफ स्लाइसर ऐसे हो सकता है। मतलब ये मेरा मतलब इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है सब्जेक्ट मैटर का वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ में यूज़ होती है, उसके पर्पस क्या है। ठीक है, तो उस तरह से इसमें भी आप फ्रेजेस और कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। और कॉमा के बाद जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट उसमें डाल सकता हूँ, तो कॉमा डाल सकते हैं आप कीवर्ड्स में। ठीक है जी, इसी तरह से ये भी बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सर्च टर्म्स का। सर्च टर्म्स में आप बकाया बचे हुए जो भी कीवर्ड्स या फ्रेजेस हैं वो यूज़ कर लें, या फिर मतलब जो कीवर्ड्स आपके पास यूज़ नहीं हुए ऊपर, जो फ्रेजेस यूज़ नहीं हुए ऊपर, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक जो है वो सर्च टर्म बन जाएंगे कि लोग इन चीज़ों से सर्च करें तो मेरी लिस्टिंग उसके ऊपर आए। अब इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि एक ये लिस्टिंग मैंने खोल के रखी है रेंडमली, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एक ये हीलियम की तरफ से आता है, हीलियम का इवेलुएशन प्लग एक पॉपअप आता है, अगर हीलियम आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास शो होगा ये। जी, तो ये हीलियम का टूल है। ठीक है, हीलियम जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये उनका एक्सटेंशन है एक, और ये आपको हेल्प करता है लिस्टिंग की इवेलुएशन के हवाले से। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो 7 होनी चाहिए, 7 हो तो ज़्यादा चाहिए, अब यहाँ पे जो है वो आप देखें तो 5 इमेजेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मेन इमेज जो है वो वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, इसमें आप देख लें कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ मेन इमेज है। ठीक है, आपको ये इमेजेस आसानी से अली एक्सप्रेस से भी मिल जाती हैं और गूगल से भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। इसके अलावा इमेज डायमेंशंस की जो बात है तो 1000x1000 का एक जो है वो फॉर्मेट बनाएं और उसके ऊपर वो इमेज डालें ताकि
1000 जो है वो रिकमेंडेड पिक्सल है साइज 1000 by 1000। उसके अंदर 1000 by 1000 का एक बॉक्स आप बना लेंगे तो उसके अंदर जो है फिर वो आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कैरेक्टर काउंट टाइटल का जो है वो देख लें आप यहाँ पे कि लेस देन 150 है, 150 या 200 तक हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट्स जो है वो 5 होने चाहिए, आप इसमें 5 हैं तो ये अच्छी बात है। एक डिस्क्रिप्शन काउंट मिनिमम जो है वो 1000 कैरेक्टर्स होना चाहिए। अब वो वही बात है कि अगर आपको AliExpress पर नहीं मिल रहा तो आपको खुद लिखना होगा और विद यूजिंग फ्रेजेज एंड कीवर्ड्स आप उसको जो है वो लिख पाएंगे। उसके बाद ये दो चीज़ें तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे आपकी लिस्टिंग इस्टेब्लिश होगी वैसे वैसे वो इम्प्रूव होती जाएगी। अब Amazon के सेलर सेंट्रल की क्या अगर मैं बात करूं कि वहां पे लिस्टिंग कैसे क्रिएट होगी तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपडेट दे दूंगा, क्योंकि वो लाइव सेलर सेंट्रल पे होगी तो वो लाइव वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा या जो है वो उसकी एक पूरी मास्किंग वगैरह करनी होगी। और उसमें अच्छा एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जो है वो चाहिए होगी PLDS की लिस्टिंग्स के हवाले से, तो वो है कि UPC कोड्स आपको बाय करने होंगे, ठीक है। UPC कोड्स ज़रूरी हैं क्योंकि न्यू UPC कोड्स आपको चाहिए होंगे जिसके अगेंस्ट आप अपनी लिस्टिंग बनाएंगे। इसके अलावा और एज सच कोई इतनी खास चीज़ की नीड नहीं है, इमेजेस आपको मिल जाएंगी, टाइटल कंटेंट कीवर्ड्स पे आप ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, इमेजेस आपको खुद बनानी है या सप्लायर से ले लें और बाकी चीज़ें तो आपको वैसे भी खुद करनी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो उसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।